पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है और बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, यहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मेरी सहयोगी श्रद्धा चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली पर भी काफी देखने को मिल रहा है। अगर आज देश की राजधानी दिल्ली के टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हालांकि बीते दिनों से इसकी तुलना की जाए तो थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन घना कोहरा हमें राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, संसद आपको नजर आ जाएगा और कोहरे की चादर से आपको राष्ट्रपति भवन और संसद ढका हुआ नजर आ जाएगा। और ये बता रहा है कि किस कदर देश की राजधानी दिल्ली पर कोहरे की चादर ढकी हुई है। ठंड की मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं, ठंड का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दिया जाए कि लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हवा की रफ्तार धीमी होगी, जिससे सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसी तरीके से कोहरा देखने को मिलेगा। 24, 25, 26 ये वो तारीख बताई जा रही है। कहा जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि इन दिनों आपको बारिश होती हुई नजर आएगी, यानी कि बादल दिखेंगे, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है और बारिश के बाद में आपको घना कोहरा देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले। यहाँ पर हमें और ये जो एरिया है यहाँ पर अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक को आते थे, साइकिलिंग के लिए आते थे, लेकिन ठंड के चलते अभी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।